नमस्कार, स्वागत है आपका NN24 पर। आपके साथ मैं हूं कृति सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जशपुर जिले में PWD के नेतृत्व में बनाई जा रही सड़क कछुए की चाल से बनाई जा रही है, जो बंदर चुआ से दौकड़ा फरसा बहार तक की सड़क 21 किलोमीटर आज तक नहीं बन पाई है, जबकि सड़क 2019-20 में शुरू हुआ था और सूचना पटल के अनुसार 1 सितंबर 2021 को कार्यपूर्ण बताया जा रहा है। 34 करोड़ लागत का यह सड़क अपने आप भ्रष्टाचार की गाथा गा रही है। उक्त संबंध में क्षेत्रवासियों ने बताया कि हम लोग धूल के गुब्बार से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क की गुणवत्तापूर्ण नहीं बनाया जा रहा है, जो अपने आप में अजूबा से कम नहीं है। इस संबंध में अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को भी मौखिक और लिखित में जानकारी दी गई है, लेकिन आज तक 21 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाई है। हम लोगों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ता है, जबकि सड़क को चौड़ीकरण और मजबूतीकरण करना था। लोगों का कहना है कि 5 सालों से विभाग ने हम सभी को परेशान किया है, अब कब तक बनेगा? हम सब आखिर किससे अपनी फरियाद लेकर जाएं और बताएं। देखिए, जो बंदर चुमा से फंसा हुआ है, जो रोड चौड़ीकरण का चल रहा है, इसकी स्वीकृति हमने दिलवाई। जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में थी और हम उस समय सांसद थे और केंद्र में राज्यमंत्री थे, तब वो प्रदेश शासन से कह के 49 करोड़ रुपया इसमें सेंक्शन कराए। ये दोकड़ा में आप ये जो रोड बन रहा है PWD के द्वारा, कैसा आपको लगता है रोड सड़क का? पूरा यह सड़क वो गुणवत्ताहीन निर्माण हो रहा है और 2021 में पूरा होना था, लेकिन आज 2023 तक ये पूरा नहीं हो पाया है। पूरे व्यवसायी इसमें धूल धक्कड़ से परेशान है। ठेकेदार के द्वारा ना इसमें गर्मी के दिनों में ना पानी डाला गया, पूरे लोग परेशान है, क्षेत्र के लोग इस रोड से। ये बताइए कि क्या ये जिस स्थिति से जितना अच्छा बनना था, क्या वैसा बन रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बन रहा है। कहिए, गुणवत्ता से बन ही नहीं रहा है। आगे गेडवाल बना हुआ है, एक दिन उसमें पानी नहीं डाले हुए हैं कहीं। मेरा विचार है कि बनना चाहिए, कम से कम 3 साल बरसात तक तैयार होना चाहिए रोड। नहीं, अच्छा से बनना चाहिए, अच्छा गुणवत्ता से बनना चाहिए। अच्छा गुणवत्ता से बनना चाहिए ताकि हम लोग को दिक्कत आगे मत हो, पब्लिक को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हर पब्लिक अगर दिक्कत से अगर आना जाना करे तो फिर हम ही लोग को परेशानी है। आज के जनरेशन में इतना सरकार आगे सब कुछ बढ़ा रहा है और आज हमारा दोकड़ा बहुत अच्छा जगह भी है, हर चीज़ का सुख सुविधा है, उसके अलावा भी हम लोग यहाँ पर परेशानी में फंसे हुए हैं, धूल ले रहे हैं, बरसात में फंसे हुए हैं, तो समझिए कि बहुत कुछ हम लोग से हो रहा है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।